अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेशली टीचर्स और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है ना वो एक बहुत ही थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। देखें, जब भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या स्टूडेंट भी पढ़ते हैं तो पढ़ पढ़ के जो है ना वो फेड अप हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता। तो जितने भी जो टीचर्स हैं वो चाहें तो अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते वक्त या थ्योरी की क्लास में भी जब वो फारग हों तो बच्चों से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं ताकि बच्चों का जो माइंड है वो फ्रेश रहे। और एक्टिविटीज़ भी ऐसी परफॉर्म करनी चाहिए जिससे जो बच्चा है उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा शार्प हो। तो शार्प करने के लिए आपको नेट से भी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी और कुछ एक्टिविटीज़ जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी हम लोग मुख्तलिफ किस्म की गेम्स भी जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो गेम्स के लिए जो है वो एक मॉड्यूल हम लोगों ने मंगवाया है। ये जो मॉड्यूल है इसको हम लोग कहेंगे पज़ल गेम मॉड्यूल। तो ये दराज से मंगवाया है, आलमोस्ट 329 रुपये का या 350 रुपये का मिला है। नाम है इसका फोर पज़ल्स। ये जो है पज़ल गेम वाला जो है वो क्या कहते हैं मॉड्यूल है, इसको हम लोग खोलते हैं। इसके अंदर जो है ना वो कुछ गेम्स हैं जिससे बच्चों की जो दिमागी नशोनमा है वो तेज़ होती है। सिंपली आपने क्या करना है कि इन जो गेम्स को आप ग्रुप के अंदर भी परफॉर्म करवा सकते हैं और इंडिविजुअल किसी बच्चे की जो शार्पनेस है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर मैंने अब खोला तो ये देखो इसके अंदर ये इस तरीके का आपको मटेरियल मिलेगा। तो इसमें जो है ना वो दो चार किस्म की होती हैं गेम्स। दो अभी हमारे टीचर हैं उन्होंने बीच में से निकाल ली, उनको चाहिए थी बच्चों को गेम करवाने के लिए, तो दो मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर किया जाए। ये देखें, ये इस तरह की कागज़ होता है, इसके टोटल 9 पीसेस होते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करें आपको इससे बड़े वाले पीसेस भी मिल जाएंगे, यानी जिसमें 12 पीसेस होंगे या उससे भी ज़्यादा पीसेस वाले होंगे। जो जितने बड़े पीसेस होंगे उतने ही चांसेस होंगे आपकी जो शार्पनेस है वो मज़ीद तेज़ हो सकती है। जैसे अब ये अगर आप गौर से देखें तो इस प्लेट के अंदर टोटल जो है वो 9 इसके स्क्वायर हैं। मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको तोड़ दिया, ये तीन तीन के मैंने पेयर बना दिए हैं। ये टोटल जो है ना वो समझ लें कि 9 पेयर्स बन गए हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा कि इन पेयर्स को क्या कहते हैं टेबल पे डालना है, और टेबल पे डालने के बाद ये सारे हम लोगों ने मिक्स कर देने हैं। जैसे अभी ये मैं मिक्स कर देता हूँ, मिक्स कर दिया इसमें, उसके बाद हमने क्या करना है टेबल पर इन सारी चीज़ों को ऐसे जोड़ते जाना है और पूरा जो है ना वो कम्प्लीट कर देना है हम लोगों ने। ये जो चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पज़ल गेम्स, इसमें पज़ल गेम्स में और भी बहुत सारी पज़ल्स गेम्स होती हैं, आपको नेट पे बेशुमार मिल जाएंगी। तो ये है पहली इस तरह की। इस बॉक्स के अंदर टोटल 4 पज़ल्स गेम हैं, सिर्फ बच्चों की थोड़ी सी शार्पनेस करने के लिए। ख़ासतौर पे ना सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के अंदर भी बच्चों को माइंड शार्प करने के लिए। अक्सर बच्चे तंग करते हैं और टीचर्स को भी तंग करते हैं। तो इस तरह की जो गेम्स हैं जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं इनको हम लोग जोड़कर अपना मकसद अचीव कर सकते हैं, बच्चों के अंदर एक हेल्थी एक्टिविटी जो क्रिएट कर सकते हैं। ये तो कार्टून वाली है, इसमें जो है वो आप ABC वाली भी हो सकती है जिसमें मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को हम लोग एक लाइन में लगा दें, फिर उसको डिस्टर्बेंस कर दें, फिर बच्चों से ये कहें कि भाई आप इनकी जो कंसिस्टेंसी है इसको डिसेंडिंग आर्डर में लगाएं, इसको असेंडिंग आर्डर में लगाएं। तो ये सारी चीज़ें, इससे दिमाग भी जो है वो शार्प होता है और बच्चे भी जो है वो उसके अंदर दिलचस्पी का इजहार करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट जो है वो पसंद आई होगी। नाम है इसका फोर पज़ल गेम्स और इस तरह की बेशुमार आपको मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो है ना वो हेल्दी वीडियोज़ हम बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।